जी भारत का डिफेंस बजट कई सालों से मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। अग्नि 5 की सक्सेस के बाद अग्नि 6 वीजी आ रहा है। भारत अग्नि 6 का परीक्षण करेगा और क्यों अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय देशों की नींद उड़ जाती है इस मिसाइल का नाम सुनते ही। तो के उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। तो हमारे पास इतने लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है कि हम उनके किसी भी सिटी को टारगेट कर सके। वो हमारे सारे वो कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी जो रेंज है, जिस तरह आपने बताया क्लेम 5000 की जाती है, लेकिन बास चाइनीज मुबसर जो है इसको 6 से 8 हजार की रेंज की सलाहियत के मुताबिक गर्दानते हैं, जिसका टेस्ट अभी कम रेंज तक किया गया है। हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है डिटरेंस के लिए, हमारे पास इतना मवाद मौजूद है कि हम इंडिया को किसी भी हद तक पीछे धकेल सकते हैं अगर वो इस अप्रोच को जो है हमें अप्रोच करता है तो। सर इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि हमें उनका मजाक जो उड़ाना था वो तो हमने बतौर दुश्मन उड़ाया, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडरएस्टिमेट करना नहीं चाहिए। हमारे पास तो इस वक्त वसाइल नहीं है और ना हमने कभी ये कोशिश भी की है कि हम मिसाइल टू मिसाइल हम कोई मैच करें भारत के साथ, हमारी कभी ये पॉलिसी नहीं रही। जो जिस कंट्री के पास जितना स्ट्रॉन्ग मिसाइल होगा, जितनी ज्यादा उसके पास पावर होगी, दूसरी कंट्रीज उतना ही घबराएंगी उसके ऊपर अटैक करने से। और आपने एक चीज का फीचर देखा होगा, जब ये एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, ये भी टर्मिनेशन स्टेज में आता है, मैक 24 स्पीड है और MRV MRI भी है। हमें पता है कि वी आर मोर पावरफुल इन डिफेंस सिस्टम देन इंडिया। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है, और इसी बीच एक खबर निकल कर सामने आ रही है अग्नि 6 को लेकर, जिसके बाद से पाकिस्तान में मातम छा गया है कि भारत की ये अग्नि 6 मिसाइल जो है, क्या भारत इसका टेस्ट करने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 9000 से लेकर 12000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो कि USA तक को भी कवर कर सकता है। ये सुनकर पाकिस्तानियों की तो हालत ख़राब होनी थी, क्योंकि अभी रिसेंटली अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर उन पर बैन लगा दिया है जो कंपनियां उन्हें सपोर्ट कर रही थी, और भारत की इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में बढ़ती रफ्तार को देखकर उनको जलन हो रही है, और वो सोच रहे हैं कि हर कोई देश भारत की सपोर्ट करता है लेकिन पाकिस्तान को कोई आगे बढ़ने नहीं देता। आपको क्या लगता है, अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद जय भारत। जी भारत का डिफेंस बजट कई सालों से मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। अग्नि 5 की सक्सेस के बाद अग्नि 6 वीजी आ रहा है। अग्नि 6 ये तो बहुत ही पावरफुल मिसाइल रहेगा, और जैसे उन्होंने कहा कि जो जिस कंट्री के पास जितना स्ट्रॉन्ग मिसाइल होगा, जितनी ज्यादा उसके पास पावर होगी, दूसरी कंट्रीज उतना ही घबराएंगी उसके ऊपर अटैक करने से। लेट्स पोस्ट, चले एक एग्जांपल देते हैं, हमारा और अमेरिका का कोई फड्डा हो जाता है, तो हमारे पास इतने लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है कि हम उनके किसी भी सिटी को टारगेट कर सके। वो हमारे सारे वो कर सकते हैं, मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी रेंज इतनी है कि वो बस इंडिया तक ही जा सकती है। अगर इसके अलावा कोई और कंट्री पे मतलब के हम पे प्रेशर आता है या हमारे डायलॉग्स अच्छे नहीं होते, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी ने सोचा था कि इसराइल और फलस्तीन जो कि हमेशा 75 सालों से लड़ते रहते हैं, उनके बीच इतनी बड़ी वॉर हो जाएगी, पता तो नहीं था ना। अब इंडिया और चाइना बॉर्डर पे इनकी चलती रहती है, अब क्या पता। जैसे इंडिया में प्रिडिक्शन है कि 2030 तक हमारा एक दफा तो मुकाबला चाइना के साथ हो गई, अब ये कितनी बड़ी बड़ी वॉर की तरफ जाएगी ये भी किसी को पता नहीं है। अब पाकिस्तान समझता है कि मेरा जो दुश्मन है वो सिर्फ इंडिया ही है, तो उसकी जो वो सारी रेंज है आई थिंक तो सिर्फ इंडिया तक ही है। अभी वो एक मिसाइल बना रहे थे लॉन्ग रेंज मिसाइल, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी कि भाई आप पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी चाइना और कौन सी कंपनी थी, बेलारूस, जो के उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर या कोई ऐसा एसेट हो जो सेफ है, अगर यद्यपि ऐसी जरूरत पड़े।
हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं जरूरत ना पड़े, पर अगर जरूरत पड़ती है। और आपने एक और चीज इसका फीचर देखा होगा, जब जब ये वापस एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, ये भी टर्मिनेशन स्टेज में आता है, मैक 24 स्पीड है और एमआरआई भी है। तो मतलब इसकी मार से बचना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज एट मैक 24 इफ आर एमआरआई भी नो अमाउंट ऑफ मिसाइल शील्ड कैन प्रोटेक्ट यू। मिसाइल शील्ड आपको इस स्टेज पर प्रोटेक्ट करता है जब आप यहाँ होते हो, जब एटमॉस्फेयर के ऊपर चल रहे हो। तो एक टेक्नोलॉजिकल मार वाले अच्छी मौसम, एंड वी मेड इट लाइट वेट, 3 स्टेज सॉलिड इंजन, और रेंज जो 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, 5,500 से 8,000 तक, पर जो ऑफिशियल फिगर है वो 5,500 की। बट 5,500 में कोई गली कोचा मोहल्ला, कोई भी दर्क और कोई भी व्यक्ति चाइना का रेंज से बाहर नहीं है। भारत एक लिहाज से हर किस्म की टेक्नोलॉजी अब हासिल कर रहा है अमरीका से और बाकी मगरबी दुनिया से, तो पाकिस्तान, हमारे पास तो इस वक्त वसाइल नहीं है, और ना हमने कभी ये कोशिश भी की है कि हम मिसाइल टू मिसाइल हम कोई मैच करें भारत के साथ, हमारी कभी ये पॉलिसी नहीं रही। हम क्यों बार बार ये कहते हैं कि जी हमने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं रखे हुए, इनका तो हम नहीं चाहेंगे कि हम कभी जंग भी करें भारत के साथ, हम क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं जो कि लगता है कि हम थोड़े से डिफेंसिव पे हैं विजावी भारत। तो MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना है, तो उसको जो एक्सेस मिला है मुख्तलिफ सोर्सेस से मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों का, उसको उसने बरूए कार लाते हुए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और ये वो एस्पेक्ट है जिसके बारे में पाकिस्तान आलमी बरादरी को बारहा वॉर्न करता रहा है, जो अशोर सेकेंड स्ट्राइक और नो फर्स्ट यूज की कमिटमेंट पर मबनी था, अब उनको वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले सकते। नहीं, लेकिन अली, अगर मैं थोड़ा सा आपसे फर्क करना विद ड्यू रेस्पेक्ट, देखिए भारत ने उसका नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तो अपनी जगह डॉक्ट्रिन तो मौजूद है, इसको इस टेस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो यही कहेगा कि जी मैंने तो, हम तो, मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये टेस्ट जो है उन्होंने शायद इसलिए भी किया है कि जो उनका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है या प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव जो भी उनके डॉक्ट्रिन्स चल रहे हैं, उनको वो थोड़ा सा गैप चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ ख़ास तौर पे, कोई एक्शन लेना चाहते हैं कि स्विफ्ट एक्शन लिया और एक लिहाज से पाकिस्तान को ये ख़तरा मौजूद रहे कि अगर वो एस्केलेट करता है तो पाकिस्तान को क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं न्यूक्लियर वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में। तो नो फर्स्ट यूज किस तरह कंप्रोमाइज हो गया इंडिया का, मैं जरा समझना चाहता हूं आपसे। बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए दो पहलू हैं तजवीराती जो अहमियत है इस टेस्ट की। पहली बात तो ये है कि इसकी जो रेंज है, जिस तरह आपने बताया क्लेम 5,000 की जाती है, लेकिन बाज चाइनीज मुबसर जो हैं इसको 6,000 से 8,000 की रेंज की सलाहियत के मुताबिक गर्दानते हैं, जिसका टेस्ट अभी कम रेंज तक किया गया है।